कस्बे में पिछले कई महीने पहले पीएचडी विभाग और विभाग के ठेकेदार ने विभिन्न गली मोहल्ले पानी की पाइपलाइन में खुदाई के दौरान थोड़ी सी सीसी सड़क अब कस्बे वासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है, जिसके चलते विभिन्न गली मोहल्लों की टूटी हुई सड़क पर बने बने बड़े गड्ढे होने के कारण इन दिनों बरसाती मौसम में गड्ढे पानी में भर जाने के कारण आए दिन रोजाना दोपहिया वाहन चालक सहित आमजन गड्ढे में नीचे गिरे कर चोटिल रहे हैं। वहीं कस्बे वासियों ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों सहित ठेकेदार को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक इनकी नींद नहीं खुली है। पिछले दो साल से जब पानी की पाइपलाइन चौहटन में बिछाई गई थी सरकार के द्वारा, तब से लेकर आज तक प्रत्येक गली के बीचों बीच जो पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा किया गया था, अभी भी वो गड्ढे भरे नहीं हैं सरकार के द्वारा। यहाँ की स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार की ये खामी है कि अभी भी उन वो गड्ढे नहीं भरे हैं और यहाँ के आमजन को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा भी चौहटन शहर की समस्त सड़कें हर जगह से टूटी हुई बिखरी हुई पड़ी हैं, चाहे यहाँ की नालियाँ हो चाहे मुख्य सड़क हो, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ के आम जन का, यहाँ के लोगों का आना जाना दुभर है, साधनों का चलना दुभर है, और जो दुपहिया वाहन चालक हैं या जो छोटी गाड़ियाँ कार संचालक हैं, उनको भी इन गड्ढों को पार करने में मुश्किलें होती हैं। कई बार उन गड्ढों में फंसने के कारण से युवाओं को और अनेक साथियों को घाव भी लगे हैं, और उसका कारण है स्थानीय प्रशासन की कमजोरी। तो मैं मीडिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो ये संपूर्ण चौहटन कस्बे में जगह जगह पर गड्ढे मौजूद हैं, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, उसको तुरंत रूप से दुरुस्त करवाएं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन